अभी हम पहलगाम में हैं और पहलगाम के लोग काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहे हैं। उसमें यहाँ पर जिस तरह से कुछ दिनों पहले यहाँ पर जो रोड एंड कंस्ट्रक्शन मिनिस्टर नितिन गडकरी साहब यहाँ पर आए थे, तो उन्होंने एक ऐलान किया था कि यहाँ पर पहलगाम से अमरनाथ तक एक रोड यानी कि मैग्नमाइज्ड रोड यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया जाएगा और साथ में ही वहाँ तक एक टनल भी बनाई जाएगी। तो उसके लिए यहाँ पर हमने कहीं एक जो ट्रेड बॉडी यहाँ पर पहलगाम की है उनसे भी बात की और जो दुकानदार हजरात और जो रेस्टोरेंट मालकान है या होटल मालकान है वो काफ़ी ज़्यादा खुश इससे लग रहे हैं और उनसे हमने बात की तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर टूरिज्म को और बढ़ावा मिलेगा और टूरिज्म काफ़ी ज़्यादा इससे बूस्ट होगा। तो आप भी मुलाहिज़ा फरमाइए उन्होंने हमसे बात करके क्या कहा। वो बिल्कुल जनाब, मतलब उनको 4-5 दिन लगते हैं आने जाने में, उनको मतलब बिल्कुल आसानी हो जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आ जाएंगे यहाँ पे, उस वजह से भी काम बढ़ जाएगा। उससे बिजनेस बढ़ जाएगा लेकिन हम लोगों को नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। जब ट्रैक बन जाएगा, गाड़ी का रोड बन जाएगा तो वो तो सब लोग बाहर से आएगा, अपना ही गाड़ी खुद ही लेके अमरनाथ जाएगा, फिर हमारे लोगों का क्या हाल होगा। हम तो घोड़ा चलाते हैं अमरनाथ यात्री में, 2-3 दिन के बाद उनको दर्शन करके लाता है तो फिर हमारा घोड़ा कहाँ जाएगा। जब गाड़ी डायरेक्ट गुफा जाएगा या हेलीकॉप्टर वहाँ से चलता है, वो हेलीपैड है, हेलीपैड में भी जाता है लोग, हमारा इधर तो बेरोजगारी बहुत हो जाएगा। बाबा का आदेश है ये, तो तभी तो उनके आदेश में सब पूरा ये तैयार हुआ है रोड, तो सभी यात्रियों को बहुत अच्छे से सफल यात्रा होगी उनकी। बिजनेस बहुत बूस्ट हो गया क्योंकि जब रोड्स बनेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे बाहर से, तो क्योंकि प्रॉब्लम होती है क्योंकि रोड्स ठीक नहीं, क्योंकि यहाँ रोड जो है वो कंजस्टेड है, 4-वे नहीं है, इसलिए फिर उस टाइम भी जब रोड्स बनेंगे तो फ्लो तो बहुत आएगा उससे। बहुत कुछ है सर जी, बहुत कुछ फ़ायदा है सर जी, टूरिज़्म को भी फ़ायदा है, जो यात्रा है उसको भी फ़ायदा है सर जी, जो हमारे यहाँ पर लोकल है हमको भी फ़ायदा है, उनको भी फ़ायदा है सर जी।